आज शुरुआत उस अलार्म के साथ जो खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि कोरोना फिर से पांव पसार रहा है और हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि जब कोरोना के मामले कम हो गए थे तो एकदम बढ़ कैसे गए। तो एक लाइन में जवाब है, आपकी और हमारी लापरवाही की वजह से। क्योंकि अगर ये लापरवाही नहीं की होती तो फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत ना आती। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, क्या आप दो गज दूरी का पालन कर रहे हैं? पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना का कहर वापस आ गई है लहर। दो गज की दूरी हर वक्त है जरूरी। सावधान, फिर लगेगा लॉकडाउन। जिसका डर था वही हो रहा है। एक साल बाद फिर से कोरोना का अटैक शुरू हो गया। महामारी पर हम सब की लापरवाही ने सरकार के चेहरे पर एक बार फिर से शिकन की रेखाएं खींच दी। भारत में तकरीबन 1.25 करोड़ लोगों को जद में लेने और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बेमौत मारने के बाद कोरोना की चाल फिर से तेज हो गई है। बीते 15 दिनों में कोरोना के करीब 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 4 दिनों से लगातार 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 11 मार्च को 23,298 केस, 12 मार्च को 24,845 केस, 13 मार्च को 25,154 केस, 14 मार्च को 26,513 केस और 15 मार्च को 24,437 केस। कोरोना केस के इन बढ़ते आंकड़ों के बीच वैक्सीनेशन ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन लगातार हो रहे वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना के बढ़ते आंकड़े खतरे की घंटी बजा रहे। यूपी ने तो वैक्सीनेशन के मामले में देश का नंबर एक खिताब अपने नाम कर लिया है। 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सोमवार को एक बार फिर से 3 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। यूपी में रविवार को छोड़कर हर दिन वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में भले ही तेजी से वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आसपास के राज्यों में बढ़ते आंकड़े यूपी और उत्तराखंड को भी डरा रहे, जिसको देखते हुए बुधवार को पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ मंथन करेंगे और कोरोना पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सरकार की कोशिश पर हम सब की लापरवाही पानी फेर रही है और इस बात की तस्दीक 3 शहरों की ये तस्वीरें कर रही है, जहां ना लोगों के मुंह पर मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है। बरेली में तो कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आरटीओ ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आए 6 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन जब एबीपी गंगा ने बाजार में जाकर रियलिटी चेक किया तो लोग खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। एक और कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है तो दूसरी ओर लोगों ने एहतियात बरतना बंद कर दिया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली के जिला अस्पताल रोड पर और आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी आपको भीड़ दिखाई देगी। ये काफ़ी घना मार्केट है और यहां पर कपड़ों का मार्केट है, जिला अस्पताल के किनारे किनारे काफ़ी जो फड़ वाले हैं उनका मार्केट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ पर आपको वो नज़र आएंगे। काफ़ी भीड़ भाड़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी, लोग मास्क लगाए नहीं है और कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। बरेली के बाद रियलिटी चेक की बारी थी मेरठ की, जहां कोरोना के मरीज लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन जब बाजार में जाकर देखा गया तो यहां भी बरेली की तरह ही नियमों के साथ खिलवाड़ होता नजर आया। कोरोना के मामले जहां देश भर में बढ़ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मेरठ में आज 19 मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी इसमें चिंतित हो गया है। लेकिन मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं लाल कुर्ती बाजार है और बाजार में लोगों में लापरवाही इसके प्रति साफ देखी जा रही है। ना तो 2 गज की दूरी है और ना ही मुंह पर मास्क है और उसके बावजूद लोग ऐसे ही लगातार यहां पर घूम रहे हैं। जमीनी स्तर पर लोग कितने सावधान हैं, सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, इसे लेकर गाजियाबाद जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया तो यहाँ भी ना किसी ने मास्क लगाया है और ना ही कोई 2 गज की दूरी का पालन करता दिख रहा है।
लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। लापरवाही का आलम यह था कि अस्पताल कर्मचारी तक ने मास्क नहीं लगा रखे थे। लगातार देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में। यहाँ पर देखेंगे कि कोरोना को लेकर जो नियम और कायदे हैं यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं या नहीं अपनाए जा रहे हैं। हम इस समय एमएमजी अस्पताल में हैं। लगातार अगर हम लोगों की बात करें तो कुछ लोगों ने मास्क लगाए नहीं है और कुछ लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। वहीं दो गज की दूरी की बात करें तो दो गज की दूरी में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। लंबी कतारों में यहाँ लोग खड़े हैं लेकिन दो गज की दूरी जो है वह हमें अभी भी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आजमगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया, जहां रेलवे स्टेशन पर हर आने जाने वाले यात्री की जांच के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। यहाँ पे मेडिकल टीमें लगा दी गई हैं। जैसा कि डीएम साहब कल आए थे सर्वे करने, तो मेडिकल टीम लगा दी गई है। दोनों एग्जिट गेट जो हमारे हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और टेस्टिंग हो रही है। साफ सफाई हमारे यहाँ मशीनें चल रही हैं, सब ठीक है। हाँ, मास्क और सैनिटाइजर के लिए तो उनको हिदायत दी ही जाती है और उनकी टेस्टिंग की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि सच यही है कि जब तक इस बीमारी का पूरा इलाज नहीं, ढिलाई नहीं। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।